फ्रेंड्स, डायबिटीज़ को हमेशा से एक कन्वेंशनल वे से ट्रीट किया गया है और हमेशा से ये माना गया है कि अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ हो गई है तो वो परमानेंटली हो गई है। देर इज़ नो क्योर, देर इज़ नो रिवर्सल। इफ़ यू हैव इट देन यू परमानेंटली हैव इट। डायबिटीज़ के लिए ये भी माना जाता है कि हमें अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना है, हमें अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो कि एक कन्वेंशनल मेथड है जिसे काफ़ी टाइम से फॉलो किया जा रहा है और इसमें भी कुछ फॉल्ट्स हैं, क्योंकि ये मेथड्स हमें ये बताते हैं कि आप डायबिटीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, ये नहीं बताते कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हो। बिकॉज येस फ्रेंड्स, यू कैन रिवर्स डायबिटीज़ टू, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ FFD यानी कि फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर मोर देन 10,000 लोगों के डायबिटीज़ रिवर्सल्स कर दिखाए हैं। फ्रेंड्स, अपनी इसी क्वेस्ट को फॉलो करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिसिप्लिन में मास्टर किया है, लाइक ही इज इन MBBS, डायबिटीज मैनेजमेंट, योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, प्रैनिक हीलिंग, रेकी एंड विपासना मेडिटेशन। सो डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज इस डेडली डिसीज डायबिटीज के बारे में बात करने के लिए और इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ खुद आ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी। सो वेलकम डॉक्टर त्रिपाठी ऑन माई चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में और डायबिटीज को लेके जो भी भ्रम है, जो भी मिथ्स है, जो भी डाउट्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमारे साथ में आप खुद हैं आज। और एक वर्ड है जो बहुत सुनने में आया है बार बार, वो है डायबिटीज रिवर्सल, जिसे आपने और आपकी टीम ने मिलकर पॉसिबल कर दिखाया है। मैं ये बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ आपकी डायबिटीज रिवर्सल की क्वेस्ट के बारे में जानने के लिए, और साथ में ही FFD यानी कि फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज की जो जर्नी रही है आपकी, उसके बारे में जानने के लिए। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। 2000 से 2012 में कॉर्पोरेट हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम 10 देशों में बड़े कंपनीज कोटक बैंक, HDFC बैंक वगैरह यहाँ पे कर रहा था, और 2011 के आसपास, मतलब एक साल पहले, मुझे पता चला कि रिवर्सल होता है। और इसके ऊपर डॉक्टर गैब्रियल कुजेंस, एक बहुत ही अंतरराष्ट्रीय ख्याति के डॉक्टर हैं, उनका क्योर फॉर डायबिटीज नाम से किताब है, डॉक्टर नील बर्नर का किताब है, ऐसे 3-4 अमेरिकन ऑथर्स के किताब मेरे नजर में आए, किसी ने इंट्रोड्यूस किया, फिर मुझे लगा अरे इंटरेस्टिंग लग रहा है, था पढ़ना चाहिए, तो 2012 के बिगिनिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने और देखा अगर मेडिकल जर्नल में प्रूवन है कि रिवर्सल होता है, लोगों की गोली बंद होती है ना, और हो सके 15 चम्मच शक्कर खा के भी शुगर नॉर्मल लाई जा सकती है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टेस्ट। तो मेरे दिल में प्रेरणा जगी, क्योंकि पहले से मेरी इच्छा थी, जब मैंने MBBS किया 1991 में, मेरा 1973 का जन्म है, ओके आई एम 48 नाउ। अच्छा जी, तो तभी मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को कई समय तक फायदा हो, सिर्फ गोली लिखना या सर्जरी करने में मेरे को इंटरेस्ट, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर वो शुरुआत रही और फिर 2013 में छोटे छोटे प्रोग्राम लेते रहे, 8-10 लोग आते गए, फिर वही उसी में कुछ सैकड़ों में आने लग गए। 2015 तक 4-5 लोग आने लग गए उस प्रोग्राम्स में। 3-4 हमको लगे ये समझने में कि लोगों की आदतें बदलना मुश्किल बात है, एक बार सुन के दोनों कानों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, राइट, भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, आदतें होती हैं, घर वालों का प्रेशर होता है, अभी फेस्टिवल आ जाते हैं, दिवाली आती है, दुर्गाष्टमी आ जाती है, खाने की इच्छा होती है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे 3-6 और फिर साल भर का प्रोग्राम डाला, और अभी के समय आज की ताजा खबर 10,676 लोग फ्री है आज, टुडे काउंट है 1676, जिनका गोली बंद हुआ है, और कम से कम 35,000-40,000 लोग है जिनका शुगर कम हुआ है, गोली कम हुई है लेकिन गोली बंद नहीं हुई है, तो वो इससे कम से कम 3-4 गुना आंकड़ा बड़ा है। क्योंकि सर, हमने जनरली हमेशा यही सुना है कि जो डायबिटीज एक बार हो जाती है तो वो हो जाती है, देर इज नो रिवर्सल, देर इज नो क्योर। आपको अपने डाइट मैनेज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, वर्कआउट, डाइट, उसके बाद ही आपको एक अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होगी टू स्टे विद इट, है ना। तो ये बहुत अलग सी चीज है कि डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है, विच इज अ बिग थिंग, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, एक और क्वेश्चन है, वो टाइप करेगा ना डायबिटीज रिवर्सल, तो भी इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे बारे में, कई लोगों के बारे में आ जाएगी,
गूगल रिव्यूज देख सकते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें हैं वो भी पढ़ सकते हैं, काफी काफी इन्फॉर्मेशन है अभी। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन है कि डायबिटीज होती कैसे है और साथ में ही डायबिटीज क्या लो इंसुलिन लेवल्स के चक्कर में होती है, व्हाट इज द ओवरऑल रोल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी व्हेन डायबिटीज हैपन, क्या रोल है इंसुलिन का, क्यों होती है डायबिटीज? बिल्कुल जी, इंसुलिन सभी ने नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा, पैनक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन है जो खून में घूमता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो भी हमने खाना खाया, अगर आपने दो रोटी खा ली सपोज, दो फुलके खाए हैं, तो दो फुलके मतलब 10 चम्मच शक्कर हो जाता है। बिल्कुल। एक फुलका 5 चम्मच शक्कर के बराबर है, क्योंकि 30 ग्राम का लोया होता है वो, तो उसका 80% 80% 30 ग्राम का 80% 24 ग्राम 5 चम्मच के बराबर है। तो दो फुलके खाए तो 10 चम्मच शक्कर खून में बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन लेकिन खून में 1 चम्मच शक्कर रखेंगे तो 100 mg/dL का आंकड़ा आता है, अगर वो 2 चम्मच हो जाएगा तो 200 आंकड़ा आ जाता है। तो शरीर कोशिश करता है कि 1 या 1.5 चम्मच के बीच में खून की शक्कर रहे। तो अगर आपने 2 रोटी खा के 10 चम्मच शक्कर खा लिए तो करेगी क्या वो बॉडी का रिएक्शन होगा? तो बॉडी इंसुलिन की मदद लेके ये जो खून में घूमने वाली शक्कर है इसको या तो लिवर मतलब यकृत अपना जो राइट साइड में है यहाँ पर 20 चम्मच स्टोर कर सकता है, या जो हमारे मसल्स होते हैं मसल्स के अंदर 100 चम्मच स्टोर कर सकता है। इंसुलिन का यही काम है कि खून में से शक्कर उठाओ और वो लिवर या मसल के अंदर डालो। उसके लिए कुछ ताले होते हैं, वो ताला खोलने की ये चाबी होती है, पहला इंसुलिन का एक्शन रहा। दूसरी चीज आपने पूछी कि डायबिटीज लो इंसुलिन की वजह से होता है क्या, तो ये भी बड़ा कॉमन भ्रम है लोगों का। भ्रम कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनका इंसुलिन बाहर से लगता है उनको, और इस साल मतलब 2021 में हम 100 साल मना रहे हैं, क्योंकि 1921 में सर बेंटिंक ने इंसुलिन इंजेक्शन निकाला, उसका आविष्कार किया, उसके पहले बच्चे 1.5-2 साल जीते थे। तो इंसुलिन जो आविष्कार हुआ बड़ा काम कर रहा टाइप 1 के बच्चों में, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ एंटीबॉडी मतलब शरीर के कुछ कण ऐसे बन जाते हैं जो खुद ही के पैनक्रियास को मार डालते हैं। राइट सर। उनमें लो इंसुलिन बाकायदा है, टाइप 1 के बच्चों में इंसुलिन कम है, लेकिन वो गिने चुने 3-4% लोग ही हैं। ओके। बच्चे मेन जो 95% से ज्यादा लोग हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज है। राइट सर। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन कम नहीं रहता है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बहुतांश लोगों में ज्यादा रहता है। राइट सर। उनके अंदर प्रॉब्लम होता है कि वो इंसुलिन जो ताला खोल के चाबी है ना चाबी वो चाबी है तो इंसुलिन ताला खोलने का जो कोशिश कर रहा है वो खोल नहीं पा रहा है, उधर अवरोध हो गया है, मतलब इंसुलिन अवरोध कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। सही बात, एकदम सही शब्द आपने पकड़ा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो इंसुलिन को काम नहीं करने देगा, फिर शुगर बढ़ेगी, फिर इंसुलिन बढ़ेगा, जैसा इंसुलिन बढ़ेगा वो शक्कर चर्बी पानी सब पकड़ के रखेगा, मोटा बनाएगा, बीपी बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, पेट का चर्बी बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ा देगा, पूरा पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ज्यादा इंसुलिन। तो इंसुलिन अवरोध ये मेन कारण है, समझ कारण है इंसुलिन अवरोध। सर यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों को कंसिडर किया जाता है रिवर्सल में? हाँ, टाइप 1 का इंसुलिन बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी उनके पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका सी पेप्टाइड नाम की एक टेस्ट होती है जो खून से नापी जाती है, अगर वो 0.4 के ऊपर हो, 0.4, और अगर वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो और 1 के ऊपर जाए, तभी टाइप 1 के बच्चों का इंसुलिन से मुक्ति हो सकती है, लेकिन वो आंकड़ा बहुत छोटा है, मतलब हमारे पास 20-25 बच्चे ही हैं और हमने सेकंड में किए हैं। रिवर्सल उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर रिवर्सल ये होता है कि उनकी शुगर जो 9 और 10 HbA1c है वो 7.5 के नीचे रहे, सो टाइप 1 को भले ही इंसुलिन बंद ना हो उनकी शुगर कंट्रोल में रहे, यही रिवर्सल है। टाइप 2 है उनके अंदर भी HbA1c मतलब 3 महीने का जो एवरेज होता है उनका शुगर का, वो 7 के अंदर आ जाए तो वो भी रिवर्सल है, गोली कम हो गई वो भी रिवर्सल है, गोली बंद हो गई
ये और अच्छा रिवर्सल है, फ्रीडम है। गोली बंद होके उन्होंने 15 चम्मच शक्कर खा ली, जीटीटी पास कर ली, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो वो एडवांस लेवल रिवर्सल हो जाता है। फिर इसके बाद सिर्फ ये गोली या इंसुलिन का खेल नहीं है, मन में शरीर में पूरा परिवर्तन आना, ट्रांसफॉर्मेशन आना, मतलब चर्बी कम होना, मसल बढ़ना, 108 सूर्य नमस्कार लगाते हैं, कोई कोई 50 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, कोई 10-21 किलोमीटर दौड़ते हैं, उनका एथलेटिक आइडेंटिटी बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनके अंदर, और नई स्टोरी कैसे रहता है ना। देखो डायबिटीज जब होता है तब उनकी स्टोरी बदल जाती है, मतलब क्या, अभी मैं वो खा नहीं पाऊंगा, अभी मैं वो लस्सी पी नहीं पाऊंगा, अभी मैं वो मिठाई खा नहीं पाऊंगा, अभी मैं वो सफेद चावल आलू नहीं खा पाऊंगा, तो सडनली वो जो अब तक दिल खोल के खा रहे थे उसको डेड एंड, उनकी स्टोरी बदल जाती है। अभी तो बीवी देखेगी प्लेट में क्या लिया, कितना लिया, कम करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लोग लोग टोकेंगे, उनकी स्टोरी बदल जाती है लाइफ की। जैसे जैसे उनका रिवर्सल होता है तो उनकी स्टोरी रीराइट करते हैं, 1.5 किलो खाते हैं, कभी 5 गले भी खा के देखते, तो धीरे धीरे वो होता है, इसको टाइम लगता है, साल भर लगता है, धीरे 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 चेंजेस आते हैं। आपके यहाँ पे देखा था कि डायबिटीज रिवर्सल नहीं है, फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, फुल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, मेंटल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो भी साथ में अटैच है आपके प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना, क्योंकि मन ही तो डाइट कौन फॉलो करता है या नहीं करता है, मन ही तो करता है, मन ही करता है, बिल्कुल। एक्सरसाइज मुझे उठ के करनी है नहीं करनी है, मोटिवेशन कहाँ से आता है, मन से ही आता है, मन से। पहले हमने देखा कि सिर्फ डाइट समझा समझा के नहीं हुआ काम, तो मन को इन्वॉल्व करना, जो भी गाठे हैं मन के अंदर, हर्ट्स है, लेजीनेस है, लेथार्जी है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, डिसिप्लिन नहीं है, गुस्सा है, दुख है, पुरानी यादों का प्रॉब्लम है, फ्यूचर का एंग्जाइटी है, उस सब पे तगड़े मेडिटेशन बना के धीरे धीरे 3 महीने में हम उसकी साफ सफाई करते हैं, फिर जाके वो आंतरिक, उसका आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, वो जैसे ही होने लग जाता है, डाइट और अच्छे से फॉलो होती है, एक्सरसाइज और अच्छे से फॉलो होता है, आदमी दौड़ता है, रिजल्ट आते हैं। सर जैसे ओबेसिटी को लेके, ओबेसिटी को एक मेन रिस्क फैक्टर माना जाता है इन ट्रिगरिंग द डायबिटीज, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो भी इंसान ओबीज है, ओवरवेट है, उसको डायबिटीज फ्यूचर में होकर ही रहेगी। हाँ, काफी लोगों को होगी, एज कम्पेयर टू जो ओबीज नहीं है, परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन ओबेसिटी के साथ उनका एक्सरसाइज पैटर्न भी जरूरी है। अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताते, जैसे सुमो रेसलर है, सुमो रेसलर ओबीज है लेकिन बहुत एक्टिव है, और उनकी जो फैट है वो सबक्यूटेनस होती है, मतलब स्किन के नीचे वाली होती है, उनमें डायबिटीज कम है जब तक वो एक्टिव है। ऐसे ही उनका एक्टिविटी कम हो जाता है और उनकी फैट अगर विसरल हो जाए, मतलब पेट के आसपास, अंदर हाथों के आसपास की फैट हो जाए, उनका डायबिटीज बढ़ जाता है। तो इंटरनल फैट जो है उसे देखना इंपॉर्टेंट है, इंटरनल बॉडी फैट जो ऑर्गन्स के पास होता है। बिल्कुल, पेट का घेरा हाइट से आधे के अंदर रखिए, जो भी आपके दर्शक है बताइए, आप फेमस कीजिए उसको, ये बहुत अच्छा इंटरनेशनल टिप है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की, हाइट के हिसाब से कमर का घेरा आधे से अंदर, 5 फीट हाइट है, 60 इंच हाइट है, तो कमर का घेरा 30 इंच के अंदर, 6 फीट हाइट है, 72 इंच हाइट है, तो कमर का घेरा 36 इंच के अंदर, वो जरूरी है, चर्बी तो रिस्क फैक्टर। राइट सर, एक और क्वेश्चन है कि एक इंसान अपने आप को डायबिटीज से कैसे बचा सकता है, प्रिवेंट कैसे करता है, कर सकता है ओवरऑल की डायबिटीज हो ही ना, तो उसके लिए बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस मेंटेन करना जरूरी है, और क्लीनिंग थोड़ा बहुत आहार में जरूरी है। तो फिटनेस पे एक, जैसे मैंने कहा कि कमर का घेरा हाइट से आधे के अंदर रखिए, फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज आप मेजर कर सकते हैं घर बैठे, अभी बॉडी कॉम्प एनालाइजिंग मशीन आती है, वो सिंपल सी होती है, अभी जैसे घर घर में ग्लूकोमीटर है, अभी पल्स ऑक्सीमीटर आ गया कोरोना की वजह से, बीपी का मशीन होता है, वैसे ही घर घर में चर्बी कितनी है और मसल कितना है वो नापते आना चाहिए, 2,500-3,000 के मशीन आती है, अच्छी होती है, टिकती है। चर्बी आपको कंट्रोल में रखनी है 25% के अंदर लेडीज ने, 20% के अंदर जेंट्स ने, और मसल जो है वो 32% के ऊपर जेंट्स ने, 26% के ऊपर लेडीज ने। ये एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करेंगे तो अच्छी बात। फिर उसके साथ जो भी डाइट है उसमें अगर सुबह सुबह वही घिसा पिटा चाय बिस्कुट
और पोहा उपमा और इडली डोसा जिससे शुगर बहुत बढ़ जाती है वो ले रहे हैं तो वो गलत है, तो वो चेंज करना पड़ता है, थोड़ा 1-2-3 महीने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो राइट सर, उसको क्लीन करते थोड़ा सा डाइट, जिससे शक्कर जल्दी नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। फिर बॉडी को अल्कलाइन करने के बाद थोड़ा उपवास भी करवाते हैं हम लोग, ताकि उनका फैट और कम होके उनके अंदर कीटोन बॉडीज बन के उनका ब्रेन अच्छे से भी काम करेगा और फैट लॉस वेट लॉस भी होगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम 5 फेज में काम करवाते हैं, क्योंकि एक सेम डाइट थोड़ा बोरिंग हो जाता है। सेम डाइट लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी स्टैगनेंट हो जाता है, फॉलो भी नहीं हो पाता है। तो 5 फेज 4 फेज में हमारा डाइट होता है। पहले डाइट में अल्कलाइज करते हैं, मतलब स्मूदी चालू करते हैं, ग्रीन स्मूदी, उसका रेसिपी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। फिर सुपर ग्रीन स्मूदी होती है, तो थोड़ा वो, थोड़ा स्प्राउट, थोड़ा सलाद बढ़ा के थोड़ा बॉडी को अल्कलाइज करना होता है फेज 1 में, क्योंकि एसिड होता है ना, एसिड बढ़ने से डायबिटीज बढ़ता है, बढ़ने से डायबिटीज बढ़ता है। ये थोड़ा क्लीनिंग करते हैं, क्लेंजिंग होता है, साफ सफाई होती है, थोड़े उपवास होते हैं, थोड़े रसाहार होता है, मतलब सुबह से शाम 12-14 ग्लास वेजिटेबल जूस होता है हफ्ते में 1 दिन के लिए, तो थोड़ा वो क्लीनिंग करते हैं। तो पहले 2 फेज थोड़े स्ट्रिक्ट करवा के, थोड़ा अल्कलाइज करके थोड़ा क्लीनिंग करवा दिया ना, फिर रिपेयर का काम बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। फिर आप उसके साथ चाहिए तो आप फिर मसल बिल्डिंग शुरू कर दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ा के, फिर उसके साथ आप थोड़ा आहार बढ़ाएंगे, फ्रूट्स बढ़ाएंगे, थोड़ा प्रोटीन्स बढ़ाएंगे, ऑयल बढ़ाएंगे, फिर मेंटेनेंस की ओर जाते हैं। 4 फेज में अल्कलाइज, क्लीन, मसल बिल्ड एंड मेंटेन, ऐसे जब करते हैं तो वो अच्छे से रिवर्सल होता है। राइट सर, तो एक अच्छी सी ओवरऑल प्रोसेस है जिसे अगर फॉलो किया जाए तो रिजल्ट भी हाथ में जरूर आएंगे। हाँ, जैसे गन्ना, एक साइड से गन्ना डालिए, दूसरे साइड से जूस निकलता है, हमारे तो वैसे हर हर रोज, हर रोज 10-11 कभी 15 लोग फ्री होते हैं। हफ्ते भर में एक 80 लोग 100 लोग फ्री हो जाते हैं हफ्ते भर में। ये ऐसे मैं साल भर में 5-5.5-6 हजार तक लोग फ्री हो रहे हैं सिस्टम में से। राइट सर, ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। लास्ट में जाते जाते आप मेरी ऑडियंस को और क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कुछ कहिए। लास्ट में बस झंझोड़ने की बात होती है कि रिपोर्ट जब तक पॉजिटिव नहीं आ रही है डायबिटीज के लिए, तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि हाँ जी, राइट तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल जाती है, फिर रिवर्सल को तकलीफ होती है। पहले सर, तो ही थोड़ा फिटनेस का, अच्छे खाने का, 11 बजे के पहले सोने का प्लानिंग रखिए, और कमर का घेरा, मेन वापस रिपीट करो, कमर का घेरा हाइट राइट, के आधे से अंदर रखिए। बाद में सीखने के लिए बहुत बड़ा समंदर है, जब भी जरूरत पड़े डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी .com है, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज .org है, 2.5 घंटे का सेशन है, सर कीजिए, समझ में और बात आ जाएगी तो और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, मैं भी अपनी ऑडियंस को यही बोलूंगी कि आपको, आपसे एक बार जरूर कंसल्ट करें, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज की वेबसाइट पे जाएं, आपके प्रोग्राम्स, आपके जो भी रिव्यूज हैं उनको देखें, क्योंकि उनसे ही मोटिवेशन मिलेगी। अगर उन्हें हाँ, ज्वाइन करना है प्रोग्राम, जरूर ज्वाइन करें। दिस इज व्हाट आई विल से टू माय ऑडियंस। हमारे गूगल रिव्यूज 1600 के ऊपर है, 4.8 स्टार, किसी भी हॉस्पिटल या राइट डॉक्टर सर, की पूरे देश या दुनिया में इतने रिव्यूज नहीं है, तो अच्छे से राइट रिसर्च सर, करके जुड़िएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, अपना समय देने के लिए, टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट थैंक इंटरव्यू, यू, मजा आ गया, बहुत बहुत यस, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। आई रियली होप ये Q&A सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप भी डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज के आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो तब तक फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिए।